इस डीजल इंजन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते रहते हैं। इन सवालों में डीजल इंजन का माइलेज बहुत कॉमन सी है। ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब पाने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं कि आखिर भारतीय रेल डीजल इंजन कितना माइलेज देती है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो भारतीय रेल है उनके डीजल इंजन कितना माइलेज देती है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपके एक ऐसे सवाल का जवाब दूंगा जो कि आपके मन में हमेशा से उठता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो वैसे तो गाइस डीजल इंजन का माइलेज कई चीजों पर निर्भर करता है। यदि हम डीजल इंजन से चलने वाली 12 कोच वाली पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो ये 6 लीटर में 1 किलोमीटर का माइलेज देती है। वहीं दूसरी ओर यदि एक डीजल इंजन 24 कोच की एक्सप्रेस ट्रेन के साथ सफर कर रही है तब भी वह 6 लीटर प्रति किलोमीटर का माइलेज देती है। इसके अलावा यदि कोई एक्सप्रेस ट्रेन 12 डिब्बों के साथ यात्रा करे तो उसकी माइलेज 4.50 लीटर प्रति किलोमीटर हो जाती है। किस पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन में माइलेज के अंदर इसलिए आता है क्योंकि पैसेंजर ट्रेन सभी स्टेशनों पर रुकते हुए चलती है। ऐसे में एक्सप्रेस ट्रेन के मुकाबले पैसेंजर ट्रेन को ब्रेक और एक्सीलेटर का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। ब्रेक और एक्सीलेटर के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से इसका माइलेज कम हो जाता है, जबकि एक्सप्रेस ट्रेन के स्टाफ काफी कम होते हैं और इन्हें ब्रेक और एक्सीलेटर का भी इस्तेमाल कम करना पड़ता है। और कैसे यदि हम मालगाड़ी की बात करें तो इसका माइलेज और कम हो जाता है। यात्री और मालगाड़ी की तुलना में मालगाड़ी का माइलेज और भी ज्यादा कम हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह मालगाड़ी का लोड होता है। यात्री अपेक्षा मालगाड़ी में कई गुना ज्यादा वजन होता है जिससे इंजन पर काफी दाब पड़ता है और वह ज्यादा डीजल की खपत करती है। देश के पहाड़ी इलाकों में एक मालगाड़ी को खींचने के लिए दो या उससे ज्यादा इंजन की मदद ली जाती है। तो गाइस यह आपका सवाल, क्यों बंद नहीं किए जाते डीजल इंजन। आमतौर पर देखा जाता है कि डीजल इंजन घंटों घंटों एक ही जगह पर खड़े रहना पड़ता है। इसके बावजूद लोको पायलट इंजन का पावर ऑफ नहीं करते। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि डीजल इंजन को स्टार्ट करने में काफी ज्यादा डीजल खर्च होता है, इसलिए इसे बंद करने के जाए चालू ही रखा जाता है। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीजल इंजन को चालू रखने के पीछे दो सबसे बड़ी वजह है। पहली वजह यह है कि डीजल इंजन का पावर ऑफ करने के बाद ब्रेक पाइप का प्रेशर काफी कम हो जाता है जिसे वापस उसी क्षमता में लाने में काफी लंबा समय लगता है। इसके अलावा दूसरा कारण यह है कि डीजल इंजन स्टार्ट करने में भी लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है। तो गाइस इसीलिए डीजल इंजन को बंद करने के बजाय चालू रखना ही सही माना जाता है। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलना।